हाय एवरीवन, सत श्रीकाल सारे नूं। बहुत बहुत स्वागत है अज दे लेक्चर दे विच, जिदे विच आपां बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक दे उत्ते गल करन वाले हां कि पॉलिटी नूं किस तरीके दे नाल आपां प्रिपेयर कर सकदे हां, कि साडी प्लानिंग प्रोसेस होनी चाहीदी है, किस तरीके दे नाल आपां कवर अप करांगे, कहड़े टॉपिक्स आपां कवर अप करने हैं, और किस किस तरीके दे नाल तुसीं पॉलिटी नूं अप्रोच करोगे। अगर तुसीं इस वीडियो नूं पूरा देख लिया, आई एम प्रीटी श्योर कि तुहाडी पॉलिटी दे विच कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और ये पूरी वीडियो जड़ी है ये सेल्फ स्टडी बेस्ड के उपर होएगी। मैं दे विच सेल्फ स्टडी दसूंगी, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं वो कर सकते, इस वीडियो नू वॉच कर सकते। अदरवाइज हाँ, वो भी बच्चे रेफर करो जो टीचर्स नू देख के भाई अपनी पॉलिटी कवर अप करते हैं। सो सब तो पहला था लेबर इंस्पेक्टर, सीनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क, सारियां नू ही मैं लेके चलांगी इस वीडियो दे विच, किस तरीके दे नाल अपनी अप्रोच रहेगी आपां गल करदे आ। और इहदे विच इक गल हो रहा है, इस वीडियो दे विच तुहानूं बहुत सारी चीज़ां इदां दी पता लगनगियां जो तुसी अगर अपनाओगे ये टिप्स एंड ट्रिक्स नूं, तां तुहाडी जिहड़ी जर्नी है पॉलिटी नूं कवर करन दी ईजी हो जाएगी। सो सब तो पहला तां बच्चा देखो, पॉलिटी इक बहुत इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है। इदां क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट सानूं जिहड़ी है 2 तों लैके 5 तक क्वेश्चन जिहड़े है वो पॉलिटी दे देखण नूं मिलते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि ये सब तो ज़्यादा ईजीएसट सबजैक्ट भी है कवर करन लई, क्योंकि एक्सपैक्टेड क्वेश्चन किवें दे हुंदे है सानूं पता हुंदा है कि अच्छा ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये करके चले गए मोस्ट प्रोबेबली साडे मार्क्स जिहड़े है आ जाते हैं। बट बच्चे जिहड़े जिस शुरुआत कर रहे हैं या जिहड़े ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किवें रिवीजन करनी है, किहड़े किहड़े टॉपिक्स तुसीं करने हैं, की तुहाडी प्रोसेस होनी चाहिए, उहदे बारे गल करांगे। सब तो पहला तां बच्चा पॉलिटी दी गल कीती जाए, इहदे विच अगर तुसीं स्टार्टिंग तो करनी है, तुसीं हजे पॉलिटी पढ़ी नहीं है, हजे तुसीं स्टार्ट करनी है, या तुसी पढ़ चुके हो, किसी टीचर तो पढ़ चुके हो, रेफर कर चुके हो टीचर्स नूं, उन्हां दे लेक्चर वॉच कर चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, तो तुसी पहला काम की करना है, चाहे जिन्होंने स्टार्टिंग करनी है जिन्होंने रिवीजन करनी है, एक कॉपी लेनी है भाई और उस दे विच लिस्ट बना लेनी है 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, 50 इदां दे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पॉलिटी दे तुहानूं देखण नूं मिलणगे। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज अगर मैं पॉलिटी की गल कर दियाँ, तो पॉलिटी दे विच सब तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट है और उस तो बाद उहदे सब टॉपिक्स आ जाते हैं कि पार्लियामेंट दे रिलेटिड जिहड़े है आर्टिकल्स की हैगे है। ठीक है, पार्लियामेंट दे रिलेटिड जिहड़े है किहड़े किहड़े आपां इंपॉर्टेंट राज्यसभा दे बारे की जानना है, लोकसभा दे बारे की जानना है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इहदे विच एटलीस्ट तुहाडे 10 चैप्टर बनेंगे और 10 चैप्टर दे 5-5 टॉपिक्स तुहानूं देखण नूं मिलणगे। उहदी तुसीं लिस्ट बना ली। ओके, लिस्ट बनाउण तों बाद तुसीं की करना है कि हर दिन जिहड़ा है टॉपिक नूं पढ़दे जाना है ते टिक करदे जाना है। एटलीस्ट तुहानूं सारे टॉपिक्स करन दे वास्ते 10 डेज एनफ होंगे। यस, आपां बहुत ज़्यादा टाइम लैंदे आ, वैसे इनू एक हफ्ते दे विच भी कवर किया जा सकता है, बट मैं तुहानूं तां वी 10 डेज दे रही हाँ कि विच एक अद्धा दिन पढ़न नूं ना मन करे या तुहानूं इन्नी जल्दी याद ना हुंदा होवे। अगर तुसीं 50 टॉपिक्स लिख ले और उसनूं जिहड़ा है कवर अप कर लिया, उस तो बाद तुसीं टिक कर देंगे, तो एटलीस्ट तुहानूं पता होएगा तुसीं किहड़े किहड़े टॉपिक्स जिहड़े है कवर अप कर ले और किन्ना रिमेनिंग है। इहदे विच इदां नहीं करना कि लक्ष्मीकांत पूरी बुक पढ़न बैठ जाना, नहीं बच्चा, मैं अगेन कह रही हाँ 50 इदां दे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं, और वो तुहानूं कोई भी इदां दा परसन होएगा ना जो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम दे चुके हैं, वो तुहानूं दस देगा। सपोज करो कि भाई तुहानूं नहीं पता लगता कि किहड़े टॉपिक करने हैं, तां ना एक GS कोर नाम की वैबसाइट है, गूगल ते सर्च करना GS कोर पॉलिटी मिनी सिलेबस, एवें तो ये ना तुहानूं एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी पॉलिटी के हर एक टॉपिक की। तुहानूं सारयां नूं पता है कि पॉलिटी दे विच जिवें हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पार्लीमेंट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेजेंट वाला इंपॉर्टेंट है, तो उहदे विच प्रॉपर तुहानूं 2 पेजेस दी लिस्ट मिल जाएगी, और वो 2 पेजेस अगर तुसीं रैफर कर ले, ठीक है,
वो रेफरेंस कर लिया कि हाँ ये टॉपिक करना है, और उस पेजेस नूं प्रिंटेड आउट करके रख लिया, और तुसी बैठ गए रिवीजन करन दे वास्ते, एंड तुसी सारे टॉपिक्स जिहड़े जिहड़े है अच्छे तरीके नाल पढ़ के कंप्लीट कर ले। तीन चीज़ा हो गया, एक तुहाडा कॉन्फिडेंस बिल होएगा कि हाँ तुसी पूरा सिलेबस किया, दूजा तुसी सिलेबस नूं ट्रैक कर पाओगे, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली चलोगे, तीजा इदां दा कोई भी टॉपिक नहीं होएगा जो तुसी नहीं कंप्लीट किया होएगा। हुण जिहड़े लेबर इंस्पैक्टर लई तैयार कर रहे हैं उन्होंने तो मैं रैफर करूंगी, बई लक्ष्मीकांत तुसी रेफर करो, आने वाले टाइम दे विच बच्चा मैं समरी लेके आ रही हूँ लक्ष्मीकांत दी, आई विल टीच यू ऑन यूट्यूब ऑल्सो कि लक्ष्मीकांत पूरी मैं पढ़ाऊंगी, चैनल सबसक्राइब कर लेना अगर तुसी लक्ष्मीकांत दी समरी जिहड़ी है देखना चाहते हो। और इहदे नाल तुसी रेफर की कर सकते हो, जिहड़े लेबर इंस्पैक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी सीडीएस के जिहड़े क्वेश्चन होंगे है ना वो रेफर करो, यूपीएससी सीडीएस के पॉलिटी के जिहड़े क्वेश्चन होंगे वो वाले रेफर करो, उहदे नाल क्या होएगा कि थोड़ा एक लेवल अप चलेगा, और अगर लेवल अप आ गया, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए तो आराम नाल सॉल्व कर लोगे। एंड जिहड़े सीनियर असिस्टेंट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन रेफर करेंगे एसएससी सीएचएसएल एमटीएस एना दे, अगर तुसी इन्ना कर लिया नो वन कैन बीट यू, मतलब पॉलिटी दे विच कोई भी तुहानू बीट नहीं कर सकता। से एक्सरसाइज करो, आने वाले जिहड़े बाकी सब्जेक्ट्स है उन्हां दा भी मैं रोड मैप दसूंगी, और टेलीग्राम चैनल नू ज्वाइन कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम चैनल नू अगर तुसी ज्वाइन कर लोगे तो जो भी जीएस कोड का जिम्मे तुम सिलेबस दसिया मैं उत्थे शेयर कर दूंगी, तो इत्थे शेयर करूंगी, यशिका टंडन का मेरा टेलीग्राम चैनल है दिस इज, और इत्थे मैं शेयर कर दूंगी बच्चा थोड़ा, ठीक है? जो जीएस कोड का मैं मिनी सिलेबस दसिया है, जो भी चीज़ा होंगे लैक्चर वगैरह मैं इत्थे शेयर कर दी। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द लैक्चर, तुहानू समझ आया होवे किस तरीके ना पॉलिटी की प्रिपरेशन करनी है। बाकी कमेंट सैक्शन च दस सकते हो होर केड़े केड़े सब्जेक्ट्स के बारे जानना है, की दिक्कत तुहानू आ रही है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व, राइट?